आखिर कौन थे वह ऋषि जिनके पास था ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, ब्रह्मा के ब्रह्मांड अस्त्र से भी शक्तिशाली, शिव के पशुपता अस्त्र से भी शक्तिशाली, भगवान विष्णु के नारायण अस्त्र से भी कई गुना शक्तिशाली था यह अस्त्र? आखिर कौन सा था वह अस्त्र जो इतना अधिक शक्तिशाली था? दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों और महापुराणों की कथाओं में अलग अलग महाशक्तिशाली अस्त्रों के बारे में बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म के त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके पास ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र मौजूद हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र और भगवान शिव का पशुपता अस्त्र। लेकिन क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड का एक ऐसा भी अस्त्र था जो इन तीनों अस्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र था? तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं महाशक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। यह अस्त्र कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मदंड था। आखिर कितना शक्तिशाली था ब्रह्मदंड और इस अस्त्र पर किसका आधिपत्य हुआ करता था? दरअसल हमें इस ब्रह्मदंड अस्त्र से एक महान कथा जुड़ी हुई मिलती है, जहां पर भगवान श्री राम के दो सर्वश्रेष्ठ गुरु यानी कि महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था और उस समय इस सर्वोच्च शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग किया गया था। दरअसल महाभारत के वन पर्व 174 के अनुसार महर्षि वेद व्यास युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए बताते हैं कि महर्षि विश्वामित्र एक महर्षि होने से पहले एक क्षत्रिय राजा थे। समुद्र मंथन के द्वारा जब कामधेनु गाय का आविर्भाव हुआ तब कामधेनु को ऋषियों को सौंप दिया गया। इसी कामधेनु गाय को लेकर एक बार महर्षि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के बीच में युद्ध हुआ था। दरअसल यह दोनों के दोनों ही भगवान श्री राम के गुरु थे और ऋषि विश्वामित्र एक ऋषि होने से पहले एक क्षत्रिय राजा थे, जबकि महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक है। कहते हैं कि दोनों ऋषि अपनी अपनी शक्तियों को सर्वोच्च दिखाने के लिए चरित्र का वर्णन कर रहे थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ को अहंकार वर्ष कहा, आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से शांत जीव आत्मा होते हैं, ब्राह्मणों में बल नहीं होता है, बल तो क्षत्रियों का स्वभाव है, इसीलिए मैं बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाऊंगा। विश्वामित्र जी की ऐसी बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही आप कीजिए, लेकिन यह कार्य मैं आपको करने नहीं दूंगा। महर्षि वशिष्ठ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को निशाना बनाते हुए कई सारे घातक बाणों से प्रहार कर दिया। बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी। पृथ्वी और आकाश हर तरफ से भयंकर बाणों की वर्षा हो रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के चलाए गए सभी घातक बाणों का निवारण केवल एक पीपल की छड़ी से कर दिया। वशिष्ठ जी के इस कृत्य से क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने फिर से उन पर सभी दिव्य अस्त्रों और महाशक्तिशाली अस्त्रों को बरसाना शुरू कर दिया। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र जी ने ऋषि वशिष्ठ पर अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, श्याम अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र मिलकर भी वशिष्ठ जी को कोई हानि नहीं पहुंचा पाए और नाकाम रहे। तेजस्वी वशिष्ठ जी ने केवल एक पीपल की छड़ी से ही इन सभी दिव्य अस्त्रों का निवारण कर दिया। कहते हैं उस समय महर्षि विश्वामित्र जी के साथ उनकी सेना और साथ ही कई सारे उनके पुत्र भी वहां मौजूद थे, और जब महर्षि विश्वामित्र जी ने उन पर इतने दिव्य अस्त्र छोड़े तब केवल पीपल की छड़ी से ही उन सभी दिव्य अस्त्रों को महर्षि ने उल्टा उन्हीं पर लौटा दिया था और इसी वजह से उनके पुत्र और सभी जलकर भस्म हो गए। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से परास्त होकर धरती पर गिर पड़े। एक साधारण से ऋषि से परास्त होने के बाद
और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद महर्षि विश्वामित्र बेहद दुखी और ग्लानि से भर गए। वह एक क्षत्रिय होने का दावा कर रहे थे, पर यह सब फीका पड़ गया। उन्होंने अपने बचे हुए पुत्रों को ही अपना सारा राज्य और कारोबार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने चले गए। वाल्मीकि रामायण में बालकांड के पर्व 53 में भी इस बात का जिक्र मिलता है। एक लंबे समय तक हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद जब महादेव महर्षि विश्वामित्र जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, तब उन्होंने उपनिषद और वेदों का ज्ञान मांगा और साथ ही ब्रह्मांड में सभी दिव्य अस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान मांगने की इच्छा जताई। महादेव ने विश्वामित्र जी को अस्त्र शस्त्र उपनिषद और सभी वेदों का ज्ञान दिया और फिर उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। फिर महादेव से वरदान पाकर महर्षि विश्वामित्र जी शक्तिशाली होकर ऋषि वशिष्ठ से बदला लेने के लिए उनके आश्रम पहुंच गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। दरअसल महर्षि विश्वामित्र अपने सभी पुत्रों की मौत का प्रतिशोध लेना चाहते थे। उनके नेत्रों में वह आग धधक रही थी, जिसके कारण पूरा का पूरा तपोवन जलकर भस्म हो गया। महर्षि विश्वामित्र जी के इस कृत्य से क्रोधित होकर ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली भयंकर और प्रलयकारी अस्त्र का प्रयोग किया, जो था ब्रह्मदंड अस्त्र। विश्वामित्र जी को ललकारते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, महादेव के अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के बाद तुम मेरे सामने खड़े हो, तो लो मैं युद्ध के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुम जितनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हो उतनी करो, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक ब्राह्मण की असली शक्ति क्या होती है। कहते हैं वशिष्ठ जी की ललकार सुनकर जैसे ही महर्षि विश्वामित्र ने अग्नि अस्त्र चलाया, महर्षि वशिष्ठ ने उसका तुरंत ही निवारण कर दिया। फिर तो महर्षि विश्वामित्र जी ने एक के बाद एक वरुण अस्त्र, इंद्र अस्त्र और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सभी शक्तिशाली अस्त्रों को छोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी ने ब्रह्म पास, काल पास, वरुण पास, धर्म चक्र, विष्णु चक्र, इन सभी अस्त्रों का प्रयोग किया और इन सभी को वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म दंड से काट दिया। यह सब देखने के बाद विश्वामित्र जी को यह एहसास हो गया कि सबसे बड़ी शक्ति तो तपोबल से ही आती है।